कानपुर में बाढ़ आपदा पर राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज को लेकर जिलाधिकारी राकेश कुमार की अध्यक्षता में जिला प्रशासनिक अधिकारियों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला कमांडर, होमगार्ड, रेलवे डिफेंस के सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। कानपुर में बाढ़ की स्थिति को मौके पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और हालात को कैसे काबू किया जाए, इस संबंध में विशेष चर्चा की गई है। मीडिया से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि अक्सर मानसून में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, उसी को देखते हुए बैठक करते हुए विभिन्न विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि शहर में अगर किसी भी तरीके से बाढ़ की स्थिति होती है तो हालात को समय पर काबू किया जा सके। जी, बेसिकली राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज थी बाढ़ आपदा को लेकर के, कि जब भी किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, साथ ही उनको इवैक्यूएट करने के लिए और कैसे कैसे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से आपदा को कैसे जो है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है और कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है, उसी के संबंध में मॉक एक्सरसाइज हुई थी। इसमें कैसे हम NDRF का सहयोग ले सकते हैं, कैसे SDRF का सहयोग ले सकते हैं, PAC का सहयोग, सेना का सहयोग, साथ ही अर्धसैनिक बल और जल पुलिस, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल, नेहरू युवा केंद्र और साथ ही जितने भी NCC, NSS, भारत स्काउट गाइड, सभी के सहयोग से कैसे हम इस आपदा का न्यूनीकरण कर सकते हैं, उसके बारे में एक तरह की ये मॉक एक्सरसाइज थी। इसका उद्देश्य यही था कि अगर कहीं पर बाढ़ आती है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, क्या तैयारियाँ करनी होंगी, कैसे हमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करना होगा, उसके बारे में बहुत विस्तार से आज जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया गया। इसमें जो है जो हमारे ADM फाइनेंस होते हैं वो जनपद के कोऑर्डिनेटर होते हैं और जब भी कोई किसी भी जगह पे अगर गांव में या कहीं कस्बे में कोई भी कहीं पे बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो वो सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं।